आज हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। आप लोग दो वर्ड सुनेंगे, एक होता है उपसोर, एक होता है अपसोर। आप जानते हैं होता क्या है? आप लोग को पता होगा जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है 365 दिनों में, और वो जो परिक्रमा होता है वो एक सर्कुलर पाथ नहीं होता है, वो कैसा पाथ होता है? एक तरफ से इलेप्टिकल पाथ होता है, जिस कारण से एक समय ऐसा आता है जिस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, वो कितने किलोमीटर होती है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। इसी को बोला जाता है अपसोर, एपिहेलियन, और ये कब होता है? 4 जुलाई को। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे नजदीक होती है, सबसे कम होती है, वो कितना किलोमीटर होता है? 147.1 मिलियन किलोमीटर, और ये कब होता है? 3 जनवरी को। इसी को बोला जाता है अपसोर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरिहेलियन। अगर हम लोग औसतन दूरी देखें तो पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी है 149.8 मिलियन किलोमीटर, और आप लोग को पता ही होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो उसको पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट का समय लगता है। थैंक यू।